हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अकुश और ये है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी M14 5G का फर्स्ट 15 बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स, जिसका ध्यान अगर आप इनिशियल सेटअप के समय या इनिशियल सेटअप के जस्ट बाद रखते हैं तो इस फोन का जो यूज करने का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आपका बेटर होगा या इम्प्रूव होगा। सैमसंग M14 5G को जब आप सेटअप कर रहे होते हैं उस समय आपको जो है ना सैमसंग एक्सपीरियंस सर्विसेज का एक पेज देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे इसके फर्स्ट रिव्यू वीडियो में। उस पेज में आपको किस ऑप्शन को इनेबल करना है, किस ऑप्शन को डिसेबल करना है, उस पेज को किस तरीके से स्किप करना है, वो सब कुछ हम उस वीडियो में बताए हुए थे। इसके बाद जब आप इस फोन को एक बार सेटअप कर लेते हैं उसके बाद सैमसंग का एक डिस्कवर सर्विसेज है जो कि एक तरीके से ऐप रिकमेंडेशन सर्विसेज है, उस पेज को आपको किस तरीके से स्किप करना है ताकि कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना हो, वो भी हम इसके फर्स्ट रिव्यू वीडियो में शेयर किए हुए थे। तो इस फोन के इनिशियल सेटअप एंड रिव्यू वीडियो का लिंक हम जो है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एक बार जब अपने फोन को अच्छे से सेटअप कर लेते हैं उसके बाद जो है ना आपको ऐप ड्रॉअर में काफी सारा ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली वैसा प्री इंस्टॉल्ड एप्स जिसको आप यूज नहीं करते हैं बट फोन में आपको फोर्सफुली वो ऐप दिया जाता है, तो आप उन ऐप्स को जो है ना लॉन्ग टैप एंड होल्ड करके इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग का, तो जब आप अपने फोन को सेटअप करने के बाद ऐप ड्रॉअर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल एंड डिस्कवर दो टैब देखने के लिए मिलेगा। डिस्कवर जो टैब है वो एक तरीके से ऐप रिकमेंडेशन टैब है या एड्स आप समझ लीजिए। इसको डिसेबल करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड सेटिंग में से यहाँ पे आप डिस्कवर टैब को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में कोई भी डिस्कवर टैब देखने के लिए नहीं मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G 90Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है और उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये 60Hz रिफ्रेश रेट पे रहता है और उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे जो है ना आपको ऑप्शन मिलता है मोशन स्मूथनेस का, यहाँ पे टैप करके आपको अडैप्टिव 90Hz रिफ्रेश रेट जो है उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना है। हम ऑलरेडी 90Hz रिफ्रेश रेट यूज कर रहे हैं। तो इस फोन को सेटअप करने के बाद आप देखेंगे कि जब तक आप अपने कंट्रोल सेंटर को कंप्लीट ओपन नहीं करते हैं ना, ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे आपको टॉप पे शो नहीं करता है। यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल सेंटर ओपन किए तब यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक बार आप कंट्रोल सेंटर को ओपन करें और आपका ब्राइटनेस स्लाइडर शो करे, तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है, क्विक पैनल लेआउट में जाना है, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल के ऊपर आपको टैप करना है, यहाँ पे शो ऑलवेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, डन के ऊपर टैप करना है। अब आप देखेंगे कि अगर हम सिर्फ एक बार कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G पे अगर आप टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि टेम्पर्ड ग्लास यूज करने के बाद जो है ना टच सेंसिटिविटी थोड़ा सा वीक हो गया है, उतने अच्छे से फोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप सेटिंग में जाइएगा, डिस्प्ले सेटिंग में एंड यहाँ पे जो है ना आपको नीचे टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप इस टॉगल स्विच के थ्रू टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे आपको डार्क मोड मिल जाता है। डार्क मोड का इंप्लीमेंटेशन हमको काफी अच्छा लगा, मतलब जो ब्लैक्स है वो काफी डीप देखने के लिए मिलता है। इसका एडवांटेज बैटरी लाइफ पे नहीं मिलेगा बिकॉज ये LCD डिस्प्ले है, बट फिर भी जो है ना इस डार्क मोड के साथ अगर आप यूज करते हैं तो आपके आई पे काफी रिलीफ आपको फील होगा। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग में ही जो है ना यहाँ पे आपको एज पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, एज पैनल को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से स्वाइप करके एज पैनल यूज कर सकते हैं, एज पैनल में आप अलग अलग पैनल्स ऐड कर सकते हैं। एज पैनल को एक डिटेल्ड एक सेपरेट वीडियो में हम कवर कर देंगे। डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप बटन वाला नेविगेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं या फिर जेस्चर नेविगेशन यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ना सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को सेटअप करने के बाद हमको यहाँ पे बटन नेविगेशन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जेस्चर नेविगेशन इनेबल कर सकते हैं और जेस्चर नेविगेशन इनेबल करने के बाद अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप रीसेंट एप्स एक्सेस कर सकते हैं एंड लेफ्ट या राइट से इस तरीके से स्वाइप करके जो है ना आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। सैमसंग M14 के साथ जो है ना आपको डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ और डबल टैप टू स्क्रीन वेक का फीचर मिल जाता है, बट बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं रहता है, तो आपको सेटिंग में जाना होगा, एडवांस फीचर में, मोशन एंड जेस्चर में एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको इनेबल करना है, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको इनेबल करना है। उसके बाद आप होम स्क्रीन पे डबल टैप करके इस तरीके से स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, डबल टैप करके आप स्क्रीन वेक कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग में ही एडवांस फीचर में मोशन एंड जेस्चर में जो है ना आपको यहाँ पे लिफ्ट टू वेक का भी फीचर मिलता है, तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं आपका फोन डेस्क पे इस तरीके से अगर रखा हुआ है, आप जैसे ही इसको लिफ्ट करेंगे ना आपके फोन का स्क्रीन वेक हो जाएगा एंड आप फेस के थ्रू इसको अनलॉक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस के थ्रू मेरा फोन अनलॉक हो गया, बट हमको स्वाइप करना पड़ेगा तब हम फोन में एंटर हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फेस के थ्रू अनलॉक करने पे आपका फोन जो है ना वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए, आपको स्वाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए जो है ना आपको सेटिंग में
सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है, बायोमेट्रिक्स में जाना है, फेस रिकॉग्निशन पे जाना है, उसके बाद जो भी आपका पिन है वो एंटर करना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम अपने फ़ोन को फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी हम लास्ट स्क्रीन यूज़ कर रहे थे उस स्क्रीन पे एंटर हो जाता है। एंड यहाँ पे हमको फ़ोन को स्वाइप नहीं करना पड़ता है। अगर हम होम स्क्रीन पे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़ोन मेरा फेस के थ्रू अनलॉक हो गया एंड होम स्क्रीन यहाँ पे शो होने लगा। तो इस तरीके से ये ऑटो फेस अनलॉक वाला जो फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने न्यू सैमसंग गैलेक्सी M14 में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं, जो सबसे बेसिक तरीका है, वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को क्विकली आप इस तरीके से प्रेस करेंगे एंड स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट टूल बार का यूज करके आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का और भी काफी सारा तरीका है एंड स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जो भी और फीचर्स आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है वो एक सेपरेट वीडियो में हम कवर कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जो है ना स्विच भी ऐड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। आपको टेक स्क्रीनशॉट का यहाँ पे बटन मिलता है, तो इस स्विच को जो है ना आप इस तरीके से अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर लीजिए। इसके ऊपर टैप करके भी जो है ना आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। सैमसंग M14 के साथ आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाता है। उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे एडवांस फीचर में जाना है, वन हैंडेड मोड को यहाँ पे इनेबल करना है। आप चाहें तो उसको जेस्चर के थ्रू यूज कर सकते हैं या फिर बटन के थ्रू यूज कर सकते हैं। एंड बटन के थ्रू वन हैंडेड मोड को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप नेविगेशन के लिए बटन नेविगेशन सिस्टम को यूज करें। एंड जेस्चर के थ्रू वन हैंडेड मोड इनेबल करने के लिए बॉटम में सेंटर से आपको इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है एंड आप जो है ना मोड इनेबल कर सकते हैं जेस्चर के थ्रू। ब्लैंक स्पेस पे टैप करके जो है ना आप नॉर्मल मोड को यूज कर सकते हैं। 100 मोड में यहाँ पे आपको एरो मिलता है, इससे आप इसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन मिलता है, इसके थ्रू जो है ना आप इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्नर से इस तरीके से ड्रैग करके 100 मोड का जो साइज है ना इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सैमसंग M14 में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिल जाता है, बट आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग यहाँ पे क्लियर के ऊपर टैप कर देते हैं एंड सारा नोटिफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाता है, और उस चक्कर में कुछ काम का नोटिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है, नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, इसके ऊपर टैप करके आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल कर देना है। देन फिर अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करें और सारे नोटिफिकेशंस को यहाँ पे क्लियर पे टैप करके अगर हम क्लियर कर भी देते हैं एंड बाद में अगर हमको देखना होता है कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया था, तो उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे सेटिंग में, नोटिफिकेशन में, एडवांस सेटिंग में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप अपने फोन को सेटअप करते हैं, सेटअप करने के बाद प्ले स्टोर से कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऐप ड्रॉअर में तो ऐड होता ही है, साथ के साथ वो होम स्क्रीन पे भी ऐड अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये था सैमसंग गैलेक्सी M14 का कुछ बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स जो हमको लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपका इस फोन का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो या फिर इम्प्रूव हो। इसके अलावा भी इस फोन में जो है ना आपको काफी सारा फीचर्स देखने के लिए मिलता है, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। एक फीचर जो इस फोन में मिसिंग है, जो कि हमको डेफिनेटली लगता है कि इस फोन में होना चाहिए था, सैमसंग अपने बजट फोन में वो फीचर जनरली स्किप कर देती है, और वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर। बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमको लगता है कि काफी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर जो है हमको लगता है कि एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है और हर एक फोन में वो होना ही चाहिए, जो कि फिलहाल इस फोन में मिसिंग है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।